सात संगत आओ, सब तो पहला फतेह दी सांझ करो जी। कोई भी रसना बांझी न रवे, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अजे भी जेड़े रह गए, क्योंकि फतेह जिथे सिमरन है उथे समर्पण भी है। जदों आपां वाहिगुरु कहने आ ते सिमरन हुंदा है, ते वाहिगुरु जी का खालसा कहने आ उदों खालसा समर्पण हुंदा है। तो इस करके गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास पिता कह रहे हैं, जपन वाले केहो जे हो जाते हैं, की हो जाते हैं, की बन जाते हैं जपन वाले। जिन हर जपे से हर हो, सतगुर दया रे सुख दाता। हम लावे आपन पाली, लावे आपन पाली, से हर होए, से हर होए, से हर होए, जिन हर जपे हर हो, जिन हर जपे से हर हो, हर मिलया केल के लारी, हर लाली।
सतगुर गुर सिख मीत चलो गुरचाली, गुर सिख मीत चलो गुरचाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, जिन हर जपे जिन हर जपे से हर हो, जिन हर वाह 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 से हर, अखीरला देना ले लो ला हर मिलया केल कला, अगे कुछ बंदो क्या प्रवासा धन का नाम धन है, सतगुर सेव खर्च हर बांदो, सतगुर सेव खर्च हर बांदो,
संत जपो हर जपना, हर के संत जपो हर जपना। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। हाँ जी वाहिगुरु जी प्यार नाल आवाजा मारो वाहिगुरु जी। हर हर जपन जप लो चलो जानी, हर हर जपन जप लो चलो जानी। हर कृपा कर बन वाली, हर कृपा कर बन वाली, साध हर मेलो, साध हर मेलो। जन नानक संगत साध हर मेलो, नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना फकराली, साध जना हर के संत जपो हर जप।
जपो हर जपना, हरी बन के नहीं बैठे आखो सतनाम।
हरी हो गए पर हरी बन के नहीं बैठे कदे कदे। अतकथनी नहीं है, तुसी भी हरी हो सकते हो। बाणी तुहानू भी हरी बनाउन हरी नू मिलाउन आई है, पर वो गल वक्खरी है। असी इस मार्ग नू चुनिया ही नहीं अजे, आखो सतनाम। पर जपण वाले इत्थों तक पहुंच जांदे ने। पहली पंक्ति विच सवाल, अगली विच ही जवाब है। पहली पंक्ति विच सवाल की है, कहंदे जिन्ना ना विसरे नाम से किने है। कहंदे जिन्नू नाम नहीं विसरदा उह किहो जे हुंदे ने भाई। ते अगली पंक्ति विच कहंदे भेद ना जाणो मूल साईं जी है। धन बाबा आनंद सिंह जी, धन बाबा ईश्वर सिंह जी, प्रीतम प्यारे मालक, धन बाबा कुंदन सिंह जी। हरी हो गए जिन हर जपया से हर होए। कदे अपने आप नूं बाबा आनंद सिंह मत्था टकाया, कदे बाबा ईश्वर सिंह ने पैरी हाथ लाउण दित्ते, कदे बाबा कुंदन सिंह जी कुछ बन के बैठे मोटे ते परना, वो भी प्रेस नहीं सी कराउंदे। आखो सतना। एक दिन सेवादार ने वधिया करीजां गुरुजां बिठा के चोला प्रेस करके लियांदा, ते बाबा जी ने उन्हों ऐं नचोड़ता फड़ के प्रेस कीते कराए नूं इदां घुमाता चंगी तरह वट पाते। कहिंदे गुरु साहब दा रुमाला साहब भी प्रेस करदा है, कुंदन दा चोला भी प्रेस करदा है। कहिंदे कुंदन नूं गुरु साहब नाल ना रलाओ। आखो सतनाम। उन्हां दी रीस नहीं कीती, मेरे चोले मेरे परने विच वट ही चंगे है। खिमा करियो अज मेरे वर्गे कतूरे उन्हां दा नाम ले ले के खा रहे हैं। इस थां ते जदों आउणा सुख सागर आउणा। निक्के निक्के असीं हुंदे, मैनूं याद है जिंदू बाबा जी बैठे पिछली साइड ते, जदों आ सेवा चलाई है बाबा जी ने, ते पिछे आके बह जाना बापू मलकीत मिस्त्री, उहने बड़ियां फिर गल्लां सुनाउणियां, ते बाबा जी ने बड़ा हसना, ते पहिलां आप सेवा करनी। अज जिवें सरदार बलदेव सिंह जी लुधियाने वाले, उदों भी नाल आउंदे, ते अज भी उन्हां ने लख रुपये की सेवा इस समागम वास्ते भेजी। सरदार गुरप्रताप सिंह जी जलंधर वाले, उन्होंने भी तकरीबन लख रुपये की सेवा अनाउंस की संस्थान। मालक की कृपा, ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਉ ਰੱਖੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12:30, 12:15 ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੰਦੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, 10 ਰੁਪਈਏ 100 ਰੁਪਈਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਮੰਗਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੰਗੋ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮੰਗਣ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ,
मंगन विच जे तू मंगना चाहना है ते सब तो चंगी चीज केड़ी है मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगन ओदा जस मांगा खो सतना इत्थे लद गए रामन वर्गे भी इत्थे नांगे पांव ते गए जिनके लाख करोड़ इत्थे वारी आपो अपनी कोई ना बंदे धी बाबा नंद सिंह जी कहंदे हुंदे चलो चली दा मेला इत्थे सब दी कूच तैयारी है ए किसे नू पता नहीं लगदा झट नू की दी वारी है कोई पता ही नहीं। आज समागम है पिछले साल कई शरीर सीगे हितकी नहीं गांव वाले च की दी वारी आ जानी है कोई भेद नहीं है इत्थे लाहा लईए आपां इस शब्द विच कहिंदे मत जानो आज के गाली कहिंदे मन विच भरम ना रख ली भी अजे पता नहीं कदों मरना कहिंदे ए समझ ली अज पता नहीं कल मौत आई लै आखो सतना ते जिहनूं मौत याद है ना प्यारिओ ओहनूं रब याद है ते जिहनूं मौत याद नहीं ओहनूं रब वी याद है जिवें छेवें पातशाह वेले दा जिक्र है कहिंदे ने एक सिख आया ते कहिंदा महाराज जी भी तुहाडे कोल इन्नी माया आ कोई पठान है फौजी है सिपाही है फौज महाराज दी सेना विच ते कहिंदा महाराज तुहाडे कोल इन्नी माया तुसीं किवें बचे हो भाव समझो ये माया तां डंग लैंदी है तुसीं किवें बचे हो इन्नी माया हुंदी है चढ़त चढ़ावा हुंदा तुसी सच्चे पातशाह शाहां दे शाह हो ते गुरु साहिब कहिंदे तैनू हफ्ते बाद जवाब देवांगे सत्तां दिनां दे विच विच तैनू जवाब मिल जू पर एक गल ए भी है सत्तां दिनां दे विच विच तेरी मौत भी है आखो सतनाम जवाब तैनू जरूर मिलू पर सत्तां दिनां दे विच विच तेरा अंतला समां आ जाणा हुण होया की ਇਉਂ ਉੱਠਿਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਘਰੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਟ ਮਾਰਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਿੱਗੀਆਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵ ਹੀ ਹੈ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਰਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਝੱਟ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਛ ਕਿਰਲੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਰਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਓ ਡਰਿਓ ਇਹ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਚੀ ਬਚੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਰ ਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਰੇ ਡਰ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਡਰ
डर रे पापा तो डर। माइया बीबिया नू खास करके बेनती है पापा तो डरना या बोलन तो नहीं डरना धारना तो बोलिया करो। शब्द विच जरूर बोलो आपां पापां तो सब ने बचना है डरना है पर बोलन तो ना डरो खुल के गाओ। प्यारे ये सात दिन ये ब्रह्म ज्ञानियां ने झोड़ा नगर की धरती ते भाग लाए हैं। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर उन्हां दी धरती है। धन बाबा ईश्वर सिंह जी का अवतार होया दुनिया ते ओ मारा मार गए ओ मील पत्थर ला गए नहीं कोई सानी उन्ना वर्गा खो सतना। बड़े मान नाल कहने धन धन बाबा नंद सिंह जी वर्गी बंदगी धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वर्गा प्रचार ते धन धन बाबा कुंदन सिंह जी वर्गी सेवा नहीं कोई कर सकता दुनिया। नहीं कोई सानी उन्ना वर्गा। गल ते आईए गुरु हरगोबिंद छेवें पातशाह कहन लगे सत्तां दिनां दे विच विच जवाब देवांगे असीं किवें बचे आ माड़े कर्मां तों पापां तों औगणां तों। ते कहिंदे ओह घर गया ते तस्वी फेरदा है अल्लाह अल्लाह नूं याद करदा गुनाह बख्शाई जांदा है। ते कहिंदे सत्तवें दिन फिर महाराज मिले उहनूं ते मिलके उहनूं कहिंदे हां भाई हुण इह सत्तां दिनां च की कीता। कहिंदा जी हुण सत्त दिन तां भुल्लां ही बख्शाउंदा रिहा गुनाह ही बख्शाउंदा रिहा ते तस्वी फेरदा रिहा। कहिंदे क्यों? कहिंदे जी तुसां वचन कीता सी वी सत्तां दिनां दे विच विच मौत आ जाणी है ते मैनूं तां जम डंड सिरों ना उतरे मैनूं तां डर लगदा सी। सच्चे पातशाह कृपा करो। महाराज कहिंदे थापी दे के कहिंदे कोई नहीं अजे नहीं तू बस जांदा थोड़ा अपनी उम्र भोग के जाएगा बस कहिंदे तेनू सोझी देनी सी भी असी किवें बचे हाँ आखो सतना असी किवें बचे हाँ क्योंकि सानू आ समा याद रहिंदा है। वक्त जदों इंसान ते आण पैंदा सब रस्सियां दे बन बन कट जांदे बुरे भले दी कोई ना परख करदा मित्र मित्रां तों पासा वट जांदे चक्कर भावी दा जिन्हां ते आण पैंदा अमृत जान के जहर नूं चट जांदे मरना याद जिन्हां दे साईं लोका लाहा इस जहान तों खट जांदे जिन्हां नूं याद। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਐਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੀ ਐ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਵਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਬਾਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੱਛਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਨਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਖਸ਼। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ। ਹਰਨਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਡੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੱਫਾ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਢਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਕੀੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀਟੀ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾ, ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਤੇ ਕੀੜੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਹੋ ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਣ ਦੋ ਰਾਮ।
अपने प्यारियां दी इलाज रखदा है। हरनाखश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, समा नहीं है। रब दी ते लक्ष्मी दी लड़ाई होगी। लक्ष्मी कहिंदी मैनू दुनिया वद मनदी है, रब कहिंदा गुरुद्वारियां च मंदिरां च मसीतां च गिरजियां घरां च ते रौनकां लगियां हुंदियां सवेरे शाम। कहिंदे मत्थे जरूर तैनू टेकदे ने पर तैनू कोई नहीं मंगदा, मंगदे मैनू ही ने। आखो सतना माफ करियो, मत्था जरूर गुरु साहब नू टेकदे आ पर मंगदे कुछ हो रही है। साहब दे चरणा जा मंगदे ओ चीजां, मैं क्या मांगो कि थिर ना रहाई। ते की मंगना है? एक दीजे नाम मुरारी जी, नाम नाम प्यारी जी। कहंदे ने लक्ष्मी कहंदी मैनू मंगदे ने, रब कहंदा है मैं वड्डा, लक्ष्मी माया कहंदी मैं वड्डी। कहंदे इन्ने नू नारद मुनि जी आके कहंदे कहंदे तुसी ऐं करो भेख बदल के जाओ धरती ते देखो भी जाके पता करो भी किनू लोकी वद मनदे ने। आखो सतना ते कहंदे पहलां तां रब आ गया साध बन के, साध बन के आया। दृष्टांत है गाथा, कहिंदे रब साध बन के आया ते जदों दरवाजे मूर दी लंघन लग्या ते सेठ जी झाड़ू दे रहे सी। ओह कहिंदे वाह 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 फकीरां दे दर्शन होए, साधु आए, आजो महापुरशो चरण पाओ घरे आओ। रब चलिया गया अंदर ते अंदर बिठाया ऐन वधिया। ते इन्ने नूं लक्ष्मी भेख बदल के राणी बन के रथ ते चढ़ के ओह आ गई। ओ कहंदी दरवाजे जाके कहंदी पानी, सेठ वेखदा भी अंदर महापुरश बैठे है साधु ते बाहर राणी। ओ तुरी जांदी है, ए बैठे है इन्हां नूं फेर ही पुछ लूं। आखो सतना आ देखो माया किवें पै रही है। सेठ भज्जिया गया ते गड़वा पानी दा भर के जदों रथ ते लग्या ते राणी ने सोने दा गलास कढ़िया उह च पानी पीता ते गलास वगा के मारिया। ते रथ चलाउण वाला कहिंदा साडी राणी दा तां सुभाअ आ इक वारी भांडा जूठा करना ते सोने दे भांडे च खाणा पीणा ते भांडे उत्थे सट जांदी है। सेठ कहिंदा फिर तां महीना रखूं, कहिंदा फिर तां महीना रखूं घरे। हुण लक्ष्मी नूं ते रब नूं पता है वी हुण इह खेड की खेड रहे आ। रब परमेश्वर दा नाम भाव रब की है, उच्चे उपर उच्चा नाओं उहदा नाम, जिथे उहदा नाम आ गया। ते कहिंदे इन्ने नूं लक्ष्मी उतर के आ गई अंदर ते रब रूपी साध उह कहिंदा है आ गई बई इहने तां पा ली माया। ते कहिंदे देखो हुण की भाणा की वरतना है अगे। कहंदे रब कहंदा आ गई है, वो कहंदी आ गई ते अजे सबर नहीं आया माया नूं। कहंदी इहनूं कढ पहलां अंदरों फिर रहूं महीना, मैं नहीं रह सकदी इहनूं कढ पहलां बाहर। इह नहीं रहना चाहीदा इत्थे, माया रब नूं कहंदी है। ते सेठ जी आ के संतां नूं कहंदे बाबा जी तुसीं फिर आयो, हुण तुसीं फिर आयो। ते कहंदे जदों साध उठिया ते लक्ष्मी बह गई। आ सुनियो काम दी गल इत्थे है, तोड़ा पैन लग्या। कहंदे दरवाजे ते जांदा जांदा साध पता की कहंदा, ताड़ी मार के कहंदा चंद्रिये तू भी उसे घरे आई जिथे पहला मैं आया। आखो सतना तू भी उस घरे आके माया पाई, आपदा छल वरतिया जिहड़े घरे पहला नाम आ जांदा है। बोलो सतना प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौन, जिथे नाम आ जांदा ना प्यारे उत्थे माया धक्के मार मार आउंदी। आखो सतना पर नाम होवे हिरदे च वसिया ए तां प्रत्यावे लैंदी है, फिर जान जान के आउंदी है वी मैं किवें ना किवें दे पैर उखेड़ा इहदे। ए किसे रूप विच कदे किसे रूप विच आउंदी है माई माया छल तृण की अगन नेग की छाया गोबिंद भजन बिन
हड़का जल ते माया हुंदी किन्ने क चिर दा छलावा है इह आ जवानी किन्ने क चिर दी है माया की है अज तुसी सिरे दी कोठी पा लोगे पंजां सालां बाद पेपणियां बन बन जदों पलस्तर उतरदा कहिंदा यार पंज साल भी नहीं कट्टे ओवें शरीर दा हाल है पेपणियां बन बन जदों उतर लग गया मास बुढ़ेपा आ गया जबलक जरा रोग नहीं आया किन्ना कहे ये छलावा किन्ना कहे कहिंदे जिवें बदलां दी छां हुंदी है ना उहदा पता नहीं कदों उड जाए आखो सतनाम बोलो ते कहिंदे एक तिणकियां नूं जदों इकट्ठा करके अग लाईए केरां भांबड़ मचदे पर उह इक वारी तां बड़े वधिया लगदे आ भांबड़ मचदे पर उह पुन्नी उह छेती ठंडे भी हो जांदे ते जिवें हड़ दा पाणी आउंदा है जदों हड़ आउंदा है ते मारो मार करदा आउंदा है पर जिन्नी तेजी नाल हड़ आउंदा उन्नी तेजी नाल ही पाणी चलिया भी जांदा है स्पीड नाल ए माया है इस युग में शोभा नाम की बिन नामे शोभना माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होई तो मालिक कृपा करे जिन हर जपिया से हर होए जेडे अज कह दिंदे ना साधां कोले गड्डियां साधां कोले पैसा साधां कोले फलाना तिंगड़ा बड़ियां गल्लां करदे आ ओ भाई तुसी भी जप के वेख लो आखो सतनाम वो एक बाबा नंद सिंह जी कोई आके कहिंदा बाबा जी रिद्धियां सिद्धियां वाकई हुंदियां ने बाबा नंद सिंह जी कहिंदे भाई साडे कहण ते तां तुहानूं यकीन नहीं आउणा शायद पर गुरबाणी कहिंदी है ते असीं तुहानूं गरंटी नाल कहिंदे आ चार दिन जप के तां वेख आखो सतनाम चौंकड़ा ला के तां वेख कदे देख किवें खेडां वरतदियां ने ब्रह्म रंदे तिसदा ब्रह्मत रहै एक शब्द लिवलाए नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर जो हर हिरदे सदा वसाए पर कहो नानक जावे त्याग दई तवे शरणी आए पई जिन्ना इहनूं ठुकराउने आ उन्नी जोर नाल आउंदी है जिवें गेंद है इह जगत दी माया है भाई तो इस करके असीं कोई इह नहीं कहिंदे वी कम्म छड्ड के चौंकड़े ही ला लो पर दो वेले जे मुसलमान पंज नमाजां दा पक्का आ ते सिख दो वेले तां नितनेम कर ही सकदा आ सवेरे अमृत वेले ते शाम संध्या वेले जदों अमृत वेले पंज बाणियां करूगा सुखमणी साहब करूगा ते मनो अस्थिरता आ जाएगी कंट्रोल हो जांदा मन कल्ले कल्ले शरीर दे अंगां दी गल करके आनंद साहब दे विच महाराज ने समझाया वी कंट्रोल कर इन्हां ते इस मन नूं ए नेत्रो मेरे हो ए सरवणो मेरे हो ए रसना ए शरीरा ए मन मेरे सारयां दी गल कीती है तो गुरबाणी पढ़ो एदी कसवटी ते आपां चलीए हुण समाप्ति है अगला समा बाबा जिंदू जी लाउणगे भाई सुरजीत सिंह जी ने साइड ते साथ दित्ता समा पहलां ही रफ्तार नाल चल रिहा है नहीं तां शब्द पढ़ाउणा सी इहनां नूं हुण बाबा जिंदू जी अगला समा लाउणगे होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा पाठी सिंघां दा धन्नवाद रौणकां लाईआं मैं संगत नूं बेनती करदा आं भी कोई गल नहीं घबराउणा नहीं डोलना नहीं गुरु दी कृपा नाल गुरु ते भरोसे नाल ते दसवंध कढ़िया करो कमाई विचों आ जिहड़े समागम हुंदे आ लंगर चलदे आ जप तप दा लंगर चलदा है शब्द दा अखुट लंगर चलदा आ इहदे वास्ते भी माया चाहीदी हुंदी है ते वध तों वध सहयोग करिया करो समागमां विच महापुरखां दा क्योंकि इहनां घरां च किसे ने नहीं लाउणी माया ये विहंगम बाबा जी दे दर ते रहिंदे आ ते जो तुसी देना इन्हां ने गुरु घर दे विच ही लाउणा है आखो सतनाम वध तों वध इक घड़ी ते इक मोबाइल रख लैंदा विहंगम होर कोई बहुतियां खिच्चां लोड़ां नहीं हन चोला ही पाउणा है इस करके तुसी भी साथ दिया करो क्योंकि रल मिल के ही गड्डी चलदी है ते तुहानूं बेनती है पुरजोर बेनती है भी वध तों वध ऐतकी जो दो पाठ होए आ 5, 7, 13 पाठ होण इन्नी कृपा होवे कोई नहीं डोलो ना बाबा जी कहिंदे जिहड़े औखे तों औखे वेले भी दसवंध कढ़दे आ उहनां नूं भाग वध लाउंदा मालक आखो सतनाम भी पता भी औखे आ फिर भी दसवंध दे रहा यही तो परचा हुंदा यही तो इम्तिहान
ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੜਕ ਗਏ ਡੋਲ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਮੂਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਡੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਬਲ ਈ ਤੋਂ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਚੈਨਲ ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹਨ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਸਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।